नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के बजट के दौरान विपक्ष ने राशन घोटालों की जांच और कार्यवाही की मांग पर नारेबाजी की और सदन को छोड़कर बाहर चले गए। इस पर विभागीय मंत्री ने विपक्ष को पलायनवादी कहते हुए जवाब सुनने का नैतिक साहस न होने की बात कही, जिस पर विपक्ष के विधायकों ने कहा कि सरकार गरीबों के राशन में हुई डकैती की जांच क्यों नहीं कराती। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के बजट के दौरान विपक्ष ने राशन घोटाले की जांच और कार्रवाई के नाम पर नारेबाजी की, साथ ही विभागीय मंत्री को बिना सुने सदन से बाहर निकल गए। जिस पर विभागीय मंत्री अमरजीत भगत ने विपक्ष को पलायनवादी कहा और कहा कि उनमें जवाब सुनने का नैतिक साहस नहीं है। कोई अगर एक ये तय कर ले कि बात सुननी ही नहीं है, तो जब आप सुनेंगे नहीं तो उसका क्या इलाज है? जब हम जवाब दिए तो अभी रहना था, पूछना था। नैतिक साहस है तो सामने आमने सामने नजर मिला करके बात करना था। ये पलायनवादी लोग क्या बात करेंगे? ना धान खरीदी में हमारा बराबरी कर सकते, ना चावल बांटने में हमारी बराबरी कर सकते। ये इनके समय में नान घोटाला हुआ है, हमारे डिपार्टमेंट में कोई चार्जेज नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा सकता है। मंत्री द्वारा पलायनवादी कहे जाने पर पूर्व मंत्री व विपक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार घोटाले की जांच क्यों नहीं कराती, ये तो गरीबों के अनाज की डकैती है। माननीय मंत्री हमको पलायनवादी कह रहे हैं, उनमें नैतिकता है तो सुबह से शाम तक जिस मुद्दे पर विधानसभा गर्म रही, गरीबों के अनाज पर डाका डालने वाली है सरकार, जांच से क्यों पीछे हट रही है? FIR किस बात पर करवाई है? और स्थगन के उत्तर में अनाज कमी पाए गए, वो तो कुछ दुकानों का सैंपल है, पूरा 13,000 दुकानों का होगा, वो डकैती होगी, लूट होगी। और डकैती डालने वाली, लूट करने वाली सरकार के मंत्री का हम भाषण सुनेंगे? यदि भाषण उनको सुनवाना है तो पहले वो जांच की घोषणा करे, उसके बाद भाषण सुनवाए। मंगलवार को छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के सैकड़ों सदस्यों ने नवा रायपुर में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार संघ के प्रतिनिधि मंडल से शिक्षा सचिव की चर्चा भी हुई है, जिसमें उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन प्राप्त हुआ है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने बड़ी संख्या में उपस्थिति देकर अपनी मांगों को पूरा कराने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। नवा रायपुर धरना स्थल में इकट्ठा हुए सैकड़ों स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के सदस्यों ने शिक्षा विभाग के सचिव से मुलाकात कर चर्चा भी की। मांगों पर विचार का आश्वासन मिलने के बाद समस्त कर्मचारी वापस लौट गए। बोधघाट परियोजना के सर्वे के काम में लगी कंपनी वेबकास्ट ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है, फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे काम दिया और भुगतान भी किया, जिस पर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार के बाद उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया, फिर भी इस सरकार ने उसे काम क्यों दिया। बोधघाट परियोजना के सर्वे का काम करने वाली कंपनी वेबकास्ट ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है, फिर भी उसे काम दिया गया और भुगतान भी कर दिया गया। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि भाजपा के शासनकाल में ही उस कंपनी को काम देने की शुरुआत की गई थी, लेकिन पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार के बाद वेबकास्ट कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया था। लगातार बताने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारे समय में वो एजेंसी काम नहीं कर रही थी, उसको जो ब्लैकलिस्टेड किया गया वो बाद में किया गया है, और जब उनको हमारे समय काम दिया गया था उसके बाद 4 साल से लगातार मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उस एजेंसी ने छत्तीसगढ़ का मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया और उसके खिलाफ में कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है, उसको नया काम क्यों दे दिया है। तो मंत्री जी जो है वो गलत जवाब दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। वो जो ब्लैकलिस्टेड हुई वो हमारे सरकार के बाद में ब्लैकलिस्टेड हुई। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में जमीनें भी चलने लगती हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन हड़पने में भूमाफियाओं के लिए सरकार ही मार्ग प्रशस्त करती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार में जमीनें भी चलने लगी हैं। उन्होंने कहा कि चांदा मुनारा बंद करा के इस सरकार ने सीमांकन में गोलमाल करने का मार्ग प्रशस्त किया।
जिसके चलते भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आज कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में जमीन भी चलने लगी है। किसानों के जमीन जो सामने में है सड़क के किनारे, और उसके सीमांकन कराते हैं भूमाफिया पीछे खरीद करके, और चलते हुए भूमाफिया के जमीन सामने आ जाते हैं, किसान के जमीन पीछे आ जाता है। सीमांकन इसलिए सही नहीं हो पा रही है, चांदा मुनारा खत्म हो गए छत्तीसगढ़ में, और जानबूझ के चांदा मुनारा बनवाना नहीं चाहते, क्योंकि चांदा मुनारा बनेगा तो आपके सीमांकन बिल्कुल ठीक आएंगे, लेकिन ये जानबूझ करके चांदा मुनारा को पीछे ढकेलने का काम किया है, और भूमाफिया ही इसमें मुख्य रूप से सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री ने आज सदन में अपने विभाग के कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में 13,49,258 मामले निराकृत किए गए, साथ ही कई मांगों और सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछली सरकार की तुलना में राजस्व के 34.1% मामलों में कमी आई है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि पिछली सरकार की तुलना में 34.1% राजस्व मामलों में कमी आई है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में 13,49,258 मामले निराकृत किए गए, साथ ही कई मांगों और सुझावों पर विचार किया जा रहा है। राजस्व मंत्री ने कहा कि उनके प्रस्तुतीकरण को विपक्ष ने भी सराहा और सर्वसम्मति से पास कर दिया। 4 सालों में हमने जो राजस्व के मामले जो निराकृत किए, जिसमें आपका 13,49,258 मामले निराकृत हुए हैं, और पिछली सरकार से अभी 34.1% की मामलों में कमी आई है। तो इस प्रकार से हमने राजस्व के जो मामले थे पूरे प्रदेश में काफ़ी निराकृत हुए, हमने संभागों की बैठकें लेके, जिलों की बैठकें लेके निराकरण करने के आदेश दिए थे, और उसके मुताबिक काफ़ी मामले निराकृत हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र सरकार को गूंगी बहरी सरकार कहते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जवाब देने से बचती है और सदन भी चलने नहीं देती। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र सरकार को गूंगी बहरी सरकार कहते हुए आरोप लगाया कि ये न सदन चलने देते हैं, न ही सदन के बाहर जवाब देते हैं। सांसद रंजीत रंजन अन्य सांसदों के साथ लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। गूंगी बहरी सरकार है, ना सदन चलने देती है, ना सदन के बाहर हम लोगों को सुन रही है। इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए आज हम लोगों ने पहली मंजिल से प्रोटेस्ट किया। अडानी घोटाले पे हम सब चर्चा चाहते हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। आज दूसरे हफ्ते का 7वां दिन है और ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। जिस डिक्टेटरशिप से सरकार ये देश को चलाना चाहती है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और जब तक ये जेपीसी की मांग को पूरा नहीं करते हैं, हम लगातार अपना विरोध जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आधे अधूरे पड़े स्काई वॉक निर्माण के मामले में पूर्व लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि सिर्फ व्यक्तिगत द्वेष के चलते इसका निर्माण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों में 67% लोगों ने अपने मत देते हुए कहा कि स्काई वॉक का निर्माण पूर्ण करके राजधानी वासियों को इसे समर्पित कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आधे अधूरे पड़े स्काई वॉक के निर्माण के समय मुख्य भूमिका निभाने वाले पूर्व लोक निर्माण मंत्री व भाजपा नेता राजेश मूणत ने एक बार फिर कहा कि राजधानी में स्थित स्काई वॉक को सरकार सिर्फ व्यक्तिगत द्वेष के चलते नहीं बना रही है। पूर्व मंत्री ने मीडिया के सामने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 3-3 कमेटियां बनाई, जिसमें 67% लोगों ने अपने मत देते हुए कहा कि जनहित में स्काईवॉक का निर्माण पूर्ण करके इसे राजधानी वासियों को समर्पित कर देना चाहिए। जिन्होंने 4.5 साल में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नींव नहीं रखी, जिनकी सोच नहीं थी, जिनकी कल्पना नहीं है, जिनके दूर दृष्टि नहीं है, ऐसे इस प्रदेश के मुखिया, वो उनके सहयोगी साथी या शहर के विधायक, जिसमें जनता ने 3-3 विधायकों को मत दिया,
वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक कल्पना नहीं थी, सिर्फ हम लोग बीजेपी के लोगों ने अपने कार्यकाल में रायपुर शहर को संवारा, रायपुर को सुंदर बनाया, राजधानी के अनुरूप शहर की व्यवस्था विकसित हो उसके लिए प्रयत्न करके योजनाबद्ध तरीके से इस काम को किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं पर स्टे लगाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कृत्य ने युवाओं को हताशा और निराशा के गर्त में धकेलने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने 10 भर्ती परीक्षाओं पर स्टे लगाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आते ही आरक्षण के नाम पर भर्ती परीक्षाएं रोक दी गईं। चौधरी ने कहा कि सरकार के इस कृत्य ने युवाओं को हताशा और विनाश के गर्त में ढकेलने का काम किया है। 10 भर्ती परीक्षाओं के स्टे होने की बात को स्वयं छत्तीसगढ़ के पीएससी ने स्वीकार किया है और उसके द्वारा प्रस्तुत पेपर में 6,68,000 युवा कैंडिडेट के रूप में इन विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं। इन लाखों युवाओं के भविष्य को आप अंधकार में डालकर पूरे छत्तीसगढ़ की युवा समुदाय को, आने वाली पीढ़ी को हताशा और निराशा के गर्त में धकेल रहे हैं। छोटे छोटे गांव से, गरीब किसान मजदूर के परिवारों से जाने वाले युवाओं के साथ आप इस तरह का अन्याय राजनीतिक पैतरेबाजियों के लिए मत कीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश का राजस्व विभाग पूरी तरह भूमाफियाओं के कब्जे में है, किसानों की जमीनों पर भूमाफिया कब्जा जमा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि वर्तमान में भूमाफिया और पटवारी कलेक्टर से बड़े हो गए हैं। विधानसभा के बजट सत्र में राजस्व विभाग के कार्यों पर चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश का राजस्व विभाग भूमाफियाओं के कब्जे में है। भूमाफिया बड़ी आसानी से किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में पटवारी कलेक्टर से बड़ा हो गया है। जो राजस्व विभाग है वो पूरी तरह भूमाफियाओं के कब्जे में आ गया है और मंत्री तो ऐसे निरीह मंत्री हैं जिनकी पटवारी भी सुनता नहीं है, कोटवार नहीं सुनता है। राजस्व विभाग किसी भी प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग होता है, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, RI, तहसीलदार, पटवारी सब उसके अंडर में होते हैं, परंतु माननीय मंत्री जी खुद कलेक्टर के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमाफियाओं के कारण किसानों की जमीनों पे उनका नामांतरण नहीं हो रहा है, गलत एंट्रियां हो रही हैं और साथ में भ्रष्टाचार का इतना खुला खेल हो रहा है कि अवैध कॉलोनिया का निर्माण होना, लोगों की जमीनों का बटांकन नहीं होना, सीमांकन नहीं होना, एक की जमीन दूसरे के में चढ़ा देना। और पटवारी तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया कि एक बार कलेक्टर किसी गांव में जाता है तो एक बुढ़िया उसको आशीर्वाद देती है कि जाओ तुम पटवारी बन जाओ। तो आज तो यह स्थिति हो गई है कि पटवारी कलेक्टर से बड़ा हो गया है और पटवारियों पे नियंत्रण राजस्व विभाग का समाप्त हो गया है और बेतहा पैसा लेकर भी वो काम नहीं करते हैं और लोगों की जमीनों को इधर से उधर कर देते हैं और उसके माध्यम से भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ का जो राजस्व विभाग है वो पूरी तरह कुछ माफियाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।